सो हमारी जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल और हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंडिया ने लिया था तब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, यानी 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, जो कि हमारी प्रीएम्बल में डेट दी गई है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंडिया का नेचर कैसा दिया गया था, तो इंडिया का नेचर दिया गया था इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक, दैट मींस स्वतंत्र, यानी कि हम अपनी मर्जी से हम आज़ाद है, किसी दूसरी कंट्री का हम पे कोई अधिकार नहीं है। सॉवरेन यानी कि हम अपने डिसीजंस अपनी टेरिटरी के अंदर अपनी टेरिटरी के लिए वर्ल्ड लेवल पे भी ग्लोबल लेवल पे भी खुद ले सकते हैं, उसके लिए दूसरी अथॉरिटी कोई जिम्मेदार नहीं है। तीसरा रिपब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जनता चुन के उसको भेजती है, ठीक है, यानी हेड ऑफ द स्टेट आपका इलेक्टेड होता है। वही आपकी प्रीएम्बल में क्या दिया गया, हमारा नेचर दिया गया है सोवरिन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसमें दो वर्ड ऐड किए गए, दैट इज सेकुलर एंड सोशलिस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमारी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिए गए लिबर्टी, जो कि तीनों तरीके की लिबर्टी है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, और यही लिबर्टी सेम एज इट इज़ दी गई है आपकी प्रीएम्बल में। दूसरा आपकी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये दी गई है आपकी प्रीएम्बल में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इनके साथ साथ आपको तीन फ्रीडम अलग दी गई है, दैट इज़ एक्शन, वोकेशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, सो तीसरे नंबर पे हमारे ऑब्जेक्टिव आता है इक्वालिटी। तो अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल में दिया गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, वहीं पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में एक आपकी इक्वालिटी ज़्यादा दी गई है, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब अगर हम बात करें प्रीएम्बल की, प्रीएम्बल में आपका फ्रेटर्निटी वर्ड दिया गया था, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तक तो हमें आज़ादी ही नहीं मिली थी, हम बंधुत्व के भाई बना क्या ही लेके आएंगे। ठीक है, जब ऑब्स्टेकल आती है तभी तो उनका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटीग्रिटी वर्ड जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिया गया था एट वेरी स्टार्टिंग, बट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो इंटीग्रिटी वर्ड था वो हमारे प्रीएम्बल में नहीं था, ओरिजिनल प्रीएम्बल में, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद ही ऐड किया गया था। वहीं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में अगर हम बात करें तो वहाँ पर माइनॉरिटी से रिलेटेड, ओबीसी से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड भी आपके प्रोविजंस किए गए थे, साथ ही प्रोविज़न किए गए थे आपके वर्ल्ड पीस से रिलेटेड। वहीं प्रीएम्बल में इन सब से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए अलग से प्रोविज़न आपके दिए गए हैं। ठीक है, वहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हम ये भी बात करते हैं कि इंडिया की टेरिटरी में कौन कौन शामिल होगा, यानी वो सारे एरिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, दूसरा वो एरिया जो कि रियासतें हैं, हमारे इंडियन स्टेट हैं, तीसरा कुछ और स्टेट्स या कुछ ऐसी यूटीज़ जो इंडिया को ज्वाइन करना चाहती हों, वो आपकी टेरिटरी होंगे, और उन सबको मिला के यूनियन बनाया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिया गया था। बल्कि प्रीएम्बल में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका आर्टिकल नंबर 1-4 यानी आपका पार्ट 1 कहता है, जिसमें आपका बताया गया है कि हमारे यूनियन और हमारी टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसको कि अभी बदल दिया गया है और इंडिया नाम हटा के आपका सीधा नाम रख दिया गया है भारत। ठीक है, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।